तो देखिए बात ये चल रही थी कि हमारे पास सिस्टम क्लास का है ना आउट वेरिएबल मुझे चलाना है, और मान लो कि इस वेरिएबल के आगे स्टैटिक लगा दिया जाए, तो किसी क्लास का स्टैटिक वेरिएबल कैसे चलेगा क्लास के नेम से? तो इसलिए हम लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट, ठीक है, पहली बात है ना, चल गया। आउट वेरिएबल के चलने से, यहां आउट वेरिएबल में ये रेफरेंस वेरिएबल है, इसमें ऑब्जेक्ट आता है, किस क्लास का आता है? प्रिंट स्ट्रीम का आता है। कहां से आता है, कैसे आता है, हमें मतलब नहीं है, मतलब आ जाता है ऑब्जेक्ट। अब अगर ऑब्जेक्ट आ गया है तो क्या इस ऑब्जेक्ट पे इसके मेथड को चलाया जा सकता है? बिल्कुल, तो इस पे ये प्रिंटलन मेथड चल जाता है। तो ये कहानी है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन की, कि सिस्टम एक क्लास है, और सिस्टम क्लास जो कि जावा डॉट लैंग पैकेज में पाई जाती है, आउट सिस्टम क्लास का ही एक रेफरेंस वेरिएबल है, लेकिन जिसका टाइप है प्रिंट स्ट्रीम। बिल्कुल, हो सकता है एक क्लास के अंदर एक वेरिएबल किसी दूसरे टाइप का हो सकता है, और प्रिंट एलन जो है वो प्रिंट स्ट्रीम क्लास का ही मेथड है। अच्छा, ये क्यों है, कैसे है, ये सब तो नहीं बता रहा हूं अभी, क्योंकि इसके लिए आपको इनपुट आउटपुट समझना पड़ेगा, फिर आपको ये पूरी कहानी समझनी पड़ेगी, बट हाँ थोड़ी बहुत तो कहानी समझ में आ ही गई होगी। बोलो भाई दीपक। जी सर, समझ में आ गया। मतलब ये रन टाइम पे ही उसका जो ऑब्जेक्ट है वो आउट में आ जाता है। आउट में आ जाता है, मतलब जैसे ही हम लोग वो प्रिंट स्ट्रीम लिखते हैं और जैसे ही वो मतलब कंपाइल होता है और रन होता है, रन टाइम पे वो आ जाता है ऑब्जेक्ट। ओके, मतलब उसका जैसे हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसने कहीं अंदर कोड लिख रखा है, कंपाइलर या फिर कोड दे देता होगा ऑब्जेक्ट बनाने का, कि कंपाइल टाइम पे ऑब्जेक्ट वही कंपाइलर बना देता होगा आउट का, प्रिंट स्ट्रीम कंपाइलर नहीं, का। जेवीएम बनाता है, एस जेवीएम बनाता है, जेवीएम ही करेगा ना। हाँ जेवीएम बना देता होगा और वो आउट में सेव करा देता होगा। कंपाइलर तो बस एक माध्यम है वो तो। नहीं मतलब ये है मेरा कि जैसे कंपाइल हम लोग कोड करते हैं तो क्या नाम है वो न्यू, जो ऐसे हम लोग वो बनाते हैं तो न्यू प्रिंट स्ट्रीम लिख के फिर ऑब्जेक्ट बनता है ना, तो वो कंपाइल टाइम पे कंपाइलर दे देता होगा, इसके आगे लगा देता होगा नहीं नहीं इम्प्लिसिटली। नहीं 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 वो नहीं लगाता, मतलब जो आप सोच रहे हो ठीक है, अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से सही है, बट ऑब्जेक्ट यहाँ पे वो रन टाइम पे आता है। हाँ तो ये कहानी है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन की। बाकी कोई और, किसी और का कोई क्वेरी है तो बताओ। हाँ जी, किसी का कोई क्वेरी? कोई क्वेरी नहीं है। कल मैंने ऑब्जेक्ट बनाने का पूरा तरीका बताया था, पूरा स्टेप बताया था, पूरी कहानी बताया था कि ऑब्जेक्ट कैसे कैसे बनता है और रेफरेंस आईडी कैसे कैसे बनती है। उसमें किसी का कोई क्वेरी है? नहीं है। तो क्लास बनाना, ऑब्जेक्ट बनाना, कंस्ट्रक्टर बनाना, ये सब हमें आ गया। कंस्ट्रक्टर के बारे में हम लोगों ने कुछ जान लिया, ठीक। एक कंस्ट्रक्टर की वैल्यू दूसरे कंस्ट्रक्टर में कॉपी करना भी हमें आ गया, ठीक है, बढ़िया है। तो हमने ये क्लास बना लिया जिसमें ये दो वेरिएबल ले लिए, और हमने यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर ले लिया, राइट, एक मेथड बना लिया यहाँ पे, पब्लिक वॉइड शो नाम से, जहाँ पे हम किसी भी यूज़र की इन्फॉर्मेशन को शो कराएंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर। यहाँ पे हमने नेम और एज को प्रिंट कर लिया, ठीक है। और फिर हमने लिख दिया नेम इज इक्वल्स टू एन, एज इक्वल्स टू ए, ठीक है। तो नेम और एज की वैल्यू यहां से
पहले वाले ऑब्जेक्ट का जो नेम है वो मैंने दे दिया राम, उसकी एज दे दी है 23, और ई डॉट शो मेथड के थ्रू उसके डिटेल प्रिंट कर ले। पहले वाले ऑब्जेक्ट का डेटा हो गया। फिर दूसरे वाले ऑब्जेक्ट के लिए मैंने कोई डिटेल नहीं दिया, कोई नेम नहीं दिया, कोई एज नहीं दिया, व्हाटएवर। तो क्या होगा, क्या आउटपुट आएगा, आउटपुट बताइए आप लोग, इस प्रोग्राम का क्या आउटपुट आएगा। सिंपल सा प्रोग्राम है, दिख रहा आप लोगों को? जी सर, मैं बताऊं? बाकियों को बोलने दो। जो पहला ऑब्जेक्ट है उसमें तो शो मेथड कॉल हो जाएगा। बोलो। हेलो, आउटपुट में आपसे पूछ रहा हूँ, तेज बोला करो यार निशान, तेज, बहुत धीरे बोलते हो, बहुत धीरे। सर जो पहला बनाया है वो ई ऑब्जेक्ट, उससे शो मेथड यानी कॉल हो जाएगा, तो दोनों नेम प्रिंट हो के आएगी वो आपके, ठीक है। एंड जो इवन है उसमें एरर आएगा। तो ओवरऑल आउटपुट एरर होगा या पहले में एरर और दूसरे में एरर आउटपुट, ऐसे कैसे आएगा? ओवरऑल एरर होगा। क्यों एरर होगा, क्या रीजन है? सर क्योंकि अपन ने खुद से कंस्ट्रक्टर बनाया है वहाँ पे, बाय डिफॉल्ट कंपाइलर बनाएगा ही नहीं। हाँ, क्योंकि हमने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज बना दिया है, तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कंपाइलर बनाएगा नहीं, और इसके वजह से एरर आ जाएगा। सही बात है, क्योंकि हमने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना दिया है, डिफॉल्ट नहीं बनाया है। सही है, बिल्कुल सही है, एकदम परफेक्ट है ना। तो सीएमडी ओपन करिए, जावा सी एम्प्लॉय डॉट जावा, यह आ गया एरर। अब हम चाहते हैं कि पहले वाले कंस्ट्रक्टर का जो डेटा है वो दूसरे वाले कंस्ट्रक्टर को मिल जाए, यानी कि कॉपी हो जाए, है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक दूसरा कंस्ट्रक्टर बना देंगे, है ना। और हम चाहते हैं कि पहले वाले कंस्ट्रक्टर का डेटा दूसरे कंस्ट्रक्टर में कॉपी हो जाए, ऑब्जेक्ट अलग अलग हो, डेटा कॉपी हो जाए। कैसे कर सकते हैं? बोलिए। कैसे कर सकते हैं? कॉपी करना है ना एक कंस्ट्रक्टर से दूसरे कंस्ट्रक्टर। हाँ, एक कंस्ट्रक्टर का डेटा दूसरे कंस्ट्रक्टर में कॉपी करना है। ये तो नहीं हो पाएगा, कोई बताओ भाई, क्योंकि वो उसमें ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है ना, इसमें वैल्यू जाएगी। कोई बताओ भाई, कैसे हो सकता है? मैं बताऊ? हाँ हाँ सर। सर आपने इंस्टेंस वेरिएबल में तो डेटा होल्डिंग करा दिया है, बस आपको नेम, वहाँ से नेम ये वेरिएबल को इसमें लिखना पड़ेगा बस। क्या करूँ बताओ, अभी आउटपुट क्या आएगा? पहले के लिए तो वैल्यू आ जाएगा, जीरो जीरो और नल आएगा दोनों के लिए। नहीं, पहले के लिए नाम और वो आएगा, दूसरे के लिए जीरो और नल। दूसरे में तो वैल्यू है ही नहीं, इसलिए जीरो और नल आएगा। सही बात है, ठीक है, है ना। लेकिन बात यह है कि दूसरे के लिए डेटा कैसे आए,
मैं चाहता हूँ पहले का जो डेटा दूसरे में पहुंच जाए। हाँ तो ये पहुंच जाएगा ना? कैसे? आप ये नेम जो है नेम को इसमें डाल दीजिए दूसरा वाले वेरिएबल कंस्ट्रक्टर में। यहाँ डबल कोट में यहाँ पे? नहीं वहाँ नहीं, ये वाला कंस्ट्रक्टर चलाना है ना। हाँ तो यहाँ पे वो डाल दीजिए ना ये इंस्टेंस वेरिएबल जो है। लिखते बस नेम लिख दे हो जाएगा काम, ये कह रहे हो? नेम थोड़ा कंफ्यूजन हो गई, नेम हाँ हो जाएगा काम आई थिंक। यहाँ पे नहीं ये वो कराना पड़ेगा आपको प्रिंट, नहीं हुआ? हाँ प्रिंट प्रिंट कराना पड़ेगा सर। नहीं प्रिंट हम वहाँ नहीं करना चाहते हैं ना, प्रिंट नहीं करना चाहते हैं। तो इसको इसको फिर एक वेरिएबल में होल्ड करा लीजिए ना, एक लोकल वेरिएबल इसके अंदर बना लीजिए और उसमें असाइन कर दीजिए। नहीं ऐसे नहीं हो पाएगा जैसे आप बोल रहे हो, लोकल वेरिएबल असाइन करके कैसे हो पाएगा? और कोई बताओ। आप इसमें नेम इक्वल टू नेम कर सकते हैं? नेम इक्वल टू नेम मतलब इंस्टेंस में डेटा है तो इसमें वो क्या नाम है स्ट्रिंग, इसके आगे वो भी तो डेटा टाइप भी तो लगाना पड़ेगा ना। नहीं वो बोलो तो भाई रवि कहाँ चले गए हो तुम, किस दुनिया में हो? जी सर वो धरती पे। हाँ जी तो धरती से पुकार सुनो भक्तों का, जवाब दो। अरे यार कुछ नहीं करना, एक कंस्ट्रक्टर का डेटा दूसरे कंस्ट्रक्टर में डालना है तो डेटा डालने के लिए क्या कर सकते हैं? E1 इक्वल टू E नहीं हो सकते हैं? तो उससे करेंगे तो दोनों ऑब्जेक्ट का एड्रेस सेम हो जाएगा और हमें चाहिए एड्रेस अलग अलग हो लेकिन डेटा सेम हो। एड्रेस अलग अलग हो लेकिन डेटा सेम हो, हमें ये चाहिए। सर नेम इक्वल टू ऐसे नहीं कर सकते हैं और एज इक्वल टू? क्या बताओ तो करके दिखाओ, तुम बताओ क्या करूं। नेम इक्वल टू कोई नाम रख दीजिए फिर ए इक्वल टू डाल दीजिए। तो कोई नाम क्यों रख दो, मैं तो नाम तो वही चाहिए राम और वो चाहिए जो उस कंस्ट्रक्टर में लिखा है, वही सेम डेटा दूसरे कंस्ट्रक्टर में चाहिए। सर एक तरीके से और कर सकते हैं? बताओ सर, इसका अगर ऑब्जेक्ट पास करा दे इसमें कैसे? ये पहले वाले कंस्ट्रक्टर का ऑब्जेक्ट इसमें पास करा दिए दूसरे वाले कंस्ट्रक्टर में? हाँ कर सकते हैं, बताओ कैसे करें। ये जो ई लिखा है आपने ई को इसमें डाल दीजिए और इसको ऑब्जेक्ट उसका कंस्ट्रक्टर जो है एम्प्लॉय का टाइप का एक वेरिएबल बना दीजिए। ई को क्या करूं? ई को क्या करूं? ई को इसके कंस्ट्रक्टर में डाल दीजिए। यहाँ डाल दिया ऐसे, ठीक है। हाँ अब ई का टाइप क्या है? एम्प्लॉय। हाँ तो आप बोल रहे हो कि इसको एम्प्लॉय टाइप के ही एक वेरिएबल में होल्ड कर लूं, नाम ई रख दूं या E1 रख दूं, हो गया। आगे आगे अब इसको वो करा लिए क्या? अब
अब इसको क्या करना पड़ेगा, अब इसको वो प्रिंट भी तो कराना पड़ेगा ना। प्रिंट नहीं करना पड़ेगा, E1 के अंदर से नेम को निकालना पड़ेगा, E1 के अंदर से एज को निकालना पड़ेगा, और ये जो दोनों नाम आएगा वो राम और जो भी 23 है वो आएगा, उसको हम अपने इंस्टेंस वेरिएबल में असाइन करा लेंगे, क्योंकि इंस्टेंस वेरिएबल की कॉपी हर ऑब्जेक्ट में अलग अलग बनती है। ठीक है, ये दोनों का डेटा सेम हो जाएगा, ऐसे करना पड़ेगा। और सर अगर ऐसे करना चाहते हैं तो ऐसे अगर बिना कुछ इसमें पास कराए तो वैसे ना हो सकता था, जैसे अगर हम लोग इसमें डायरेक्ट वो लिख देते system.out.println तो हो जाता कि नहीं, तब भी नहीं हो पाता ना, कंसेंटर में तो वैल्यू थी नहीं, अगर डायरेक्ट प्रिंट करते तो प्रिंट हो जाता Instance? अगर लेकिन पास कराना पड़ता तब तो प्रिंट होता ना, वैल्यू पास करा के। एक बार करके दिखाइए, ये मतलब एरर आ जाएगा इसमें, अगर इसमें ये नहीं, इसमें system.out.println में नेम और एज डाल दीजिए यहाँ कंसेंटर के अंदर। हाँ, इसको हटा दें। हाँ, और ये एम्प्लॉय हटा दिए तो ये इसकी डिफॉल्ट वैल्यू प्रिंट होके आएगी, डिफॉल्ट वैल्यू आएगी, क्योंकि इन वेरिएबल की हर ऑब्जेक्ट में अलग अलग कॉपी बनती है ना, तो पहले के लिए जो कॉपी बना उसमें तो डेटा आ गया, लेकिन जब दूसरे के लिए कॉपी बना तो उसमें कोई डेटा ही नहीं था, ये लो हटा दिया मैंने, दूसरे के लिए तो कोई डेटा ही नहीं था इसलिए डिफॉल्ट वैल्यू आ गई, अब दो बार इसलिए आ रही क्योंकि एक बार शो के साथ एक बार कंस्ट्रक्टर के साथ। मतलब उसके ऑब्जेक्ट में वो वेरिएबल ही नहीं पहुंच पाया। वैल्यू नहीं पहुंच पाई है ऑब्जेक्ट के अंदर, ये बोलो। हाँ, वेरिएबल तो पहुंच गया, वैल्यू ही पहुंच पाई। और बताइए, और कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन? नहीं सर। तो अगर हमें ये डेटा कलर में हटा देंगे सर। हाँ हाँ, अगर ये स्टैटिक होता तो इसमें नाम प्रिंट हो जाता ना। स्टैटिक होता या कुछ भी होता नहीं प्रिंट होता, स्टैटिक से क्या कुछ नया चीज थोड़ी ना हो जाता है। नेम इज इक्वल टू ई डॉट नेम एंड एज इज इक्वल टू ई डॉट एज, ठीक है, और यहाँ से इको भेज दिया। इसमें किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ूं। कोई क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है? समझ में आया सर, सबको समझ में आ रहा है? यस सर। कोई और तरीका हो सकता है इसका? सर कॉलन मेथड इसी तरह ना चलता है? कॉलन मेथड, क्लोन मेथड, क्लोन, हाँ क्लोन मेथड मतलब ऐसे ही करता है, ये एक काइंड ऑफ क्लोनिंग ही हो गई। हमने अब क्लोनिंग के अलग टॉपिक है, पढ़ाऊंगा उसकी बात ना करो, उसमें भी क्लोनिंग में भी कैटेगरी होती है, डीप क्लोनिंग, सैलो क्लोनिंग, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि ऑब्जेक्ट अलग अलग है और अलग अलग ऑब्जेक्ट पे डेटा सेम है, तो एक क्लोनिंग ही है बस, काइंड ऑफ। एक तरीका और है, वो तरीका ये है, अगर मैं इसको कंस्ट्रक्टर इसको कमेंट कर देता हूँ मान लो, है ना,
एक मिनट, कीबोर्ड में भी अलग अलग की ऐसे ऐसे जगह पे दिया है मेरा, मैं भी भूल जाता हूँ क्या कहा है, कॉपी कर लेता हूँ। अभी हो गया एक बार, दूसरे बार कर रहा हूँ तो दिक्कत कर रहा है। ठीक है, तो एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि मैं अब एक कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ ऐसे, और यहाँ से ये सारा डेटा हटा देता हूँ, मान लो ये पैरामीटर भी हटा देता हूँ मान लो, ठीक है, और ये जो आपने करा है इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ, सॉरी कंट्रोल जेड कॉपी। अब दूसरा कोई तरीका आप बताओ, मुझे ये डेटा इस कंस्ट्रक्टर में भेजना ना पड़े, मुझे अपने ऑब्जेक्ट को एज ए पैरामीटर यहाँ भेजना ना पड़े, मैं दोनों का डेटा सेम रख दूँ। मैं बताता हूँ कैसे। e.name में क्या है जो भी है उसको भेज दो e1.name में, ठीक है, और सेम चीज यहां से कॉपी पेस्ट। e1.age को कहां भेज दो, मतलब e.age को कहां भेज दो, e1.age में, ठीक है, कंपाइल कर दो, रन कर दो। तो अनदर अप्रोच ये है, नहीं समझ में आया? नहीं सर समझ। एक बार हाईलाइट कर दीजिए, बता दो दीपक, दीपक समझा दो भाई इनको। सर ये मुझे ये यहाँ पे थोड़ी दिक्कत हो रही है, ये जो क्या नाम है, ये डॉट लगा के आपने ये किया नेम डॉट ई डॉट नेम, अब पहले ने तो आपने ई का वो बनाया ना ऑब्जेक्ट, ई के ऑब्जेक्ट में आपने इसको पास कर दिया है। अच्छा, ठीक है, ये कन्फ्यूजन हो रही थी मुझे कि मतलब राइट साइड वाला वो होता है या लेफ्ट साइड वाला। असाइनमेंट ऑपरेटर जो होता है वो राइट टू लेफ्ट काम करता है, राइट टू लेफ्ट, राइट का डेटा लेफ्ट में असाइन हो जाएगा, यानी कि ई डॉट नेम में जो भी डेटा है, ई डॉट नेम में क्या है रवि, ई डॉट नेम में क्या आएगा, ई डॉट नेम का मतलब इम्प्लॉय का जो नेम है, इम्प्लॉय के नेम का जो डेटा है, ई डॉट नेम का डेटा है, ई डॉट नेम में है क्या, ई डॉट नेम में है तुम्हारा राम, वो कहाँ असाइन हो जाएगा, इवन डॉट नेम में, और इवन डॉट नेम में क्या है, नल, कुछ भी नहीं है, कोई डेटा नहीं है, तो जो भी ई डॉट नेम का डेटा है वो इवन डॉट नेम में पहुंच जाएगा। समझे हो ना समझे हो? समझ गए सर। समझ गए हो? जी सर। और बताओ, किसी को नहीं समझ में आया तो? ठीक है, तो इस तरह से इस प्रोग्राम में आपने ये देखा कि एक कंस्ट्रक्टर का डेटा दूसरे कंस्ट्रक्टर में कॉपी कैसे कराया जा सकता है ना? बाकी कंस्ट्रक्टर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी? कोई क्वेरी है कंस्ट्रक्टर से रिलेटेड, क्लास से रिलेटेड, ऑब्जेक्ट से रिलेटेड, रेफरेंस आईडी, रेफरेंस वेरिएबल, टू स्ट्रिंग, हैश कोड, कंस्ट्रक्टर, स्टैटिक डेटा, नॉन स्टैटिक डेटा, कीवर्ड, आइडेंटिफायर, वेरिएबल, डेटा टाइप, टाइप कास्टिंग टाइप, प्रमोशन, जो कुछ भी पढ़ा आपने। सर स्टैटिक वो वेरिएबल का एक थोड़ा सा नहीं, अभी स्टैटिक नहीं पढ़ा है आपने, स्टैटिक तो पढ़ाऊंगा अभी। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो बताओ।
स्टैटिक से रिलेटेड तो स्टैटिक तो बताना है। हेलो सर, ये कंस्ट्रक्टर कैसे बनता है एक बार? है कंस्ट्रक्टर कैसे बनता है, मतलब कैसे क्लास के नाम से होता है, वो एक बार समझा के देना। कंस्ट्रक्टर कैसे क्लास के नेम से होता है, कैसे बनता है? कंस्ट्रक्टर कोई फैक्ट्री वैक्ट्री में तो बनता नहीं है बनाते तो हमें ही हैं कंस्ट्रक्टर। इसका नाम क्लास के नेम से सेम क्यों होता है? क्यों होता है? हाँ। इसका नाम क्लास के नेम से सेम इसलिए होता है क्योंकि अगर कंस्ट्रक्टर का नाम क्लास के नेम से सेम नहीं होगा तो पहली जो समस्या आएगी वो न्यू कीवर्ड के साथ आएगी। न्यू कीवर्ड को कैसे पता चलेगा कि मुझे किस क्लास के लिए कितना डेटा एलोकेट करना, कितना मेमोरी एलोकेट करना है? तो चूंकि कंस्ट्रक्टर का नाम क्लास के नेम से सेम होता है तो न्यू को पता चल जाता है कि इसी क्लास में हमें जाना है क्योंकि इसका नाम क्लास के नेम से सेम है, तो इसी क्लास में जाना है। इस क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल जितने भी होंगे उसी के हिसाब से मेमोरी एलोकेट कर लेनी है और प्रोग्राम चला देना है, है ना? ये रीज़न है, ये कहानी है कि न्यू को आसानी हो, न्यू को पता चल पाए कि मुझे किस क्लास के लिए कितना डेटा, कितनी मेमोरी एलोकेट करानी है, किसके लिए करानी है, कितना कराना है, ये सब कुछ पता चल पाए। ठीक है। दूसरी समस्या कंपाइलर को होगी कि कंपाइलर को कैसे पता चलेगा कि मुझे किस नाम से कंस्ट्रक्टर ऐड करना है अगर कंस्ट्रक्टर का नाम क्लास के नेम से सेम नहीं होगा। तो कंपाइलर को भी एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, कुछ स्टैंडर्ड मेंटेन होना चाहिए उसके लिए भी, और वो स्टैंडर्ड है कि भैया क्लास के नेम से कर दो। क्लास के नेम से सेम होगा तो कंपाइलर को भी ऐड करने में दिक्कत नहीं होगी और न्यू को भी ऑब्जेक्ट बनाने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। हाँ सर, और बताइए। ठीक है, और कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी? कंस्ट्रक्टर के बाद का जो टॉपिक है, कंस्ट्रक्टर के बाद का जो टॉपिक है वो एक क्लास के बाउंड्री के अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती थी, मैंने आपको बताया था। एक क्लास के बाउंड्री के अंदर हो सकता है डेटा मेंबर, मेंबर फंक्शन, स्पेशल मेंबर फंक्शन। स्पेशल मेंबर फंक्शन में कंस्ट्रक्टर बताया था और इनिशियलाइजर बताया था। अच्छा, अब किसी कंस्ट्रक्टर में अगर यूज़र से इनपुट लेके डालना हो या किसी मेथड में यूज़र से इनपुट लेके डालना हो तो वो डाल लेंगे आप लोग, कह रहे भाई? मान लो किसी कंस्ट्रक्टर में या किसी मेथड में यूजर से इनपुट लेके वैल्यू पास करानी हो तो करा लोगे? हाँ सर, कर लेंगे। रवि जी सर, हो जाएगा? जी सर, अरे हाँ, करके दिखाओ। दिखाओ स्क्रीन शेयर करके, किसी कंस्ट्रक्टर में यूजर से इनपुट लेके कैसे वैल्यू भेजोगे? कंस्ट्रक्टर में क्या था? स्क्रीन शेयर करोगे कि नहीं? सर शेयर नहीं किए हैं, रुक जाइए सर। तुम नहीं कर पाओगे, रहने दो, तुम्हारे बस की बात नहीं है। पर रहे। देव तुम कर लोगे? अच्छा कर दिया तुमने शेयर, हाँ करो। आप लोग भी करिए अपने मन से।
कर रहे हो आप लोग भी? आप लोग भी करो, सब लोग अपना अपना। ESS कौन सा नाम होता है भाई? अरे ABCD नाम ऐसे ना लो, स्टूडेंट ले लो, एम्प्लॉय ले लो, मैनेजर ले लो, कुछ और ले लो। ESS कौन सा नाम होता है, कौन सा प्रोग्राम होता है? पर्पस तो होना चाहिए ना प्रोग्राम, किस लिए बना रहे हो? बोलते जाओ कि क्या क्या कर रहे हो, बोलते जाओ कि ये कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ, इसमें ये कर रहा हूँ, इसमें ये कर रहा हूँ, बोलते जी रहना सर है। बिल्कुल। बोला हूँ बोलने के लिए, फिर नहीं बोल रहे हो तुम? बोल क्यों नहीं रहे हो? जी सर तो बोलते रहो कि मैं ये कर रहा हूँ, ये नहीं कर रहा हूँ। लिख लेते हैं तब बोलते हैं सर। तो तुम एक काम करो, तुम रहने दो, लिखो ही नहीं। नहीं सर हाँ तो तुम्हें अपने मन से करना है तो तुम फिर अपने मन का करो। नहीं सर दीपक शेयर करो, तुम बना रहे हो? ठीक। हेलो, जी सर जी सर बना रहा हूँ। हाँ शेयर करो स्क्रीन। क्या बना रहे हो, दिखाते रहो, दिखाओ जरा। हाँ ठीक है, आईडी में बना रहे हो, बोलते रहो, बताते रहो क्या बना रहे हो। ये सर ये है ये वो प्रोग्राम है सर वो जो आपने तो बना बनाया था। लो, अगर नहीं बनाया हो तो बना लो। इसे क्लोज कर दो ना, नया प्रोग्राम बना लो। इतना इतना एरर सॉल्व करोगे तब तक एक नया प्रोग्राम बन जाएगा। हाँ स्टूडेंट एक क्लास है, अब यहाँ बनाओ जो बता रहे हो, बोल बोल के। हाँ ये सर वेरिएबल बना रहा हूँ
सर प्रिंट करने के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है, सर कंस्ट्रक्टर इसके नीचे बनाना जरूरी होता है ना स्ट्रेस वेरिएबल के? ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है, आप कंस्ट्रक्टर कहीं बनाओ, इंस्टेंस वेरिएबल कहीं बनाओ, बट ऊपर बनाना चाहिए ताकि याद रहे। नेम इक्वल टू ए, जो भी एज ए उसमें आएगा एन में वो इसमें चला जाएगा नेम में, और जो एज में आएगा वो ए में चला जाएगा, जो ए में आएगा वो एज में चला जाएगा, जो एन में आएगा वो नेम में चला जाएगा। अब स्कैनर सर इंपोर्ट करना पड़ेगा? कर लो जो भी करना है, बताते रहो कि मैं ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ। स्कैनर एस इक्वल टू स्कैनर क्या हुआ सर? ये एरर पता है, यूटिल बता दो भाई। ये सर एरर आ रहा है। और लोग भी क्या कर रहे हो? निशांत, राहुल, क्यों एरर आ रहा है? कोई मतलब नहीं, न्यू कीवर्ड छोड़ दिए, देव न्यू कीवर्ड नहीं लिखा था, ऑब्जेक्ट बनाना भूल गया था। अब स्ट्रिंग अब सर इसको अगर सेव कराएंगे इसमें तो कैसे सेव कराएंगे? मुझे दोनों बार वो बनाना पड़ेगा क्या? मतलब ये इस एक बार स्ट्रिंग के लिए, एक बार इंट के लिए। निशांत सुनाई दे रहा है? हाँ सर, हेल्प कर दो इनको, बताओ। बताए सर। हाँ बताओ, बताओ। क्या बताना है? स्ट्रिंग एस लो। अरे वो तो मुझे पता है, मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर उसके लिए मुझे बनाना पड़ेगा तो दोनों के लिए अलग अलग बनाना पड़ेगा? नहीं नहीं, एक ही इसमें हो जाएगा दोनों। कैसे? आप लिखो तो वहाँ मैसेज तो डालो वहाँ पहले, उसके बाद में स्टोर कर, पहले मैसेज डाल दो वहाँ।
अब अभी नेम को स्टोर करो अपने स्ट्रिंग वेरिएबल लीजिए एक इक्वल टू s dot next string any or small next small only next तो यही काम तो मुझे दोबारा अभी सेकंड मैसेज प्रिंट करिए और स्टोर करिए बाद में वो वही तो मैं पूछ रहा हूँ दो बार बनाना पड़ेगा भाई मेरे हाँ और वहाँ नेक्स्ट इंट लिखिए वो एज है ना हाँ यही मैं पूछ रहा था नेक्स्ट इंट होगा ना हाँ कैपिटल में लिखो यार कैपिटल में तो ले नहीं रहा शायद फिर दो स्कैनर क्लास लेना पड़ेगा एक नया स्कैनर क्लास नहीं 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 यहाँ पे भी तो इंट वेरिएबल में सेव करना पड़ेगा अच्छा, इंट हाँ इंट हाँ ठीक है मैं अब इसको तो हो गया इसको सेव कराना है किसने स्टूडेंट सर हाँ जी हो गया सर एक क्वेश्चन था हाँ जी सर ये अगर वो करेंगे तो मतलब दो ही बार लिखना पड़ेगा ये लाइन भाई जितने बार आपको इनपुट लेना है उतने बार मेथड चलाना पड़ेगा ना अच्छा और एक क्वेश्चन और था जैसे अभी मैं मान लीजिए ये मैंने ये किया रन किया ठीक है अगर मैं यहाँ पे ये नंबर डाल दूं और यहाँ पे मान लीजिए स्ट्रिंग डाल दूं तो ये आ जाता है तो ऐसे ही उसमें भी होगा अगर मान लीजिए उसमें करेंगे डेटाबेस में तो ऐसे ही होगा ऐसा इसलिए आता है क्योंकि इसमें लिखा हुआ है ना कि इसमें ऐसा कोड लिखा हुआ है कि भैया इस मेथड से यही काम हो सकता है तो अब जैसे नेक्स्ट इंट मेथड का काम है यूजर से आने वाले इंटीजर वैल्यू को पार्स करके देना जी और आप कोई दूसरी वैल्यू दोगे तो वो पार्स नहीं कर पाएगा इसलिए दिक्कत आ जाती है तो इसका कोई वो नहीं है मतलब सोल्यूशन इसका सोल्यूशन क्या अगर किसी भी वैल्यू इसको आपको एक्सेप्शन हैंडल करना पड़ेगा हैंडल करके यूजर को मैसेज दे देना पड़ेगा कि भैया वो सही इनपुट दे ये कर सकते हो एक्सेप्शन अभी पढ़ा ही नहीं मैंने ये सही है ना सर प्रोग्राम सही है सौ आने सही है
ठीक है। अब अगर मान लो कि मुझे यहाँ पे रुको 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 जी, अब यही प्रोग्राम मेथड से करना हो, इसमें इनपुट मेथड से लेना हो तो कैसे लोगे? मेथड में लेना मतलब? आपने अभी डेटा इनिशियलाइजेशन के लिए क्या यूज करा? कंस्ट्रक्टर। अच्छा, डेटा इनिशियलाइजेशन के लिए मुझे मेथड यूज करना है? हाँ तो हो जाएगा ना, अगर इसके आगे हम लोग ये मान लीजिए वाइड लगा दे, और क्या नाम है इसको, रिटर्न कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा ऊपर। हो गया जी सर? ठीक है, सही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है, डेटा प्रिंट होके आ रहा है ना, सब सही है। मेथड हो गया ना, वही चीज। ठीक है, ये स्मॉली में बनता है ना मेथड? आप लोगों के लिए एक छोटा सा काम मतलब मैं देना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने आप लोगों को लूप पढ़ा दिया, मैंने आप लोगों को कंडीशन लगाना सिखा दिया है, तो छोटा सा एक असाइनमेंट आप बनाइए, कोशिश करिए, ठीक है? जी। वो असाइनमेंट क्या होगा मैं आपको बताऊं? जी चलो मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ। चला गया क्या मेरा स्क्रीन से? जी कोई चला गया क्या? लोग कम हो गया लग रहा। नहीं, सारे लोग हैं, सब लोग हैं, कोई छूटा नहीं हो तो सब लोग हैं। दीपक हैं, देव हैं, रवि हैं, राहुल है, निशांत, सब लोग हैं। तो सब लोग सुन रहे हो? जी सर। नहीं, आप लोग तो बोलते ही हो, बाकी लोग नहीं बोल रहे हैं ना? जी सर। और जी सर, देव? हाँ सर। हो? यस सर। नहीं, तो कौन बोल रहा है? ठीक है, राहुल? राहुल राहुल लेफ्ट होगा, बोल नहीं रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। चलो देखो मैं आपसे क्या बताना चाह रहा हूँ, आपको क्या बनाना है। मैं चाहता हूँ आप ये मुझे बना के दिखाइए। बताता हूँ, अच्छा ये क्या ओपन हो गया, जीमेल ओपन करना है। क्या था? शशांक,
ये लिंक एक्सपायर हो जाता है क्या? नहीं सर, उसने अपने उससे डिलीट कर दिया ड्राइव, मुझे लग रहा है। अच्छा न्यू ह्यूमन, नहीं नहीं फंड ट्रांसफर। एक मिनट एक मिनट, ये भी नहीं होगा, यही तो दिक्कत है। मैं आपको दिखाता ना, एक होता है बनाना, एक होता है दिखा देना कि पूरा आपको तो पड़ा होगा। वैसे बहुत सारे एप्लीकेशंस पड़े होंगे। सारे हट गए। ठीक है। एक मिनट रुकना जरा। हाँ वैसे तो मैं मतलब दूसरा चाह रहा था, लेकिन मेरे सी का प्रोग्रामिंग मिल गया है और इसको मैं कंपाइल और रन करता हूँ। ये नाराज हो रहा है ये भी। अब मैं इसे कमेंट कर दूंगा तो ये चलेगा ही नहीं। अभी ये इसके प्रोग्राम को मैं सही नहीं करूंगा ना। एफ स्ट्रीम होता है, एक आईओ स्ट्रीम होता है ना, एस इंक्लूड आईओ आईओ स्ट्रीम डॉट एच। हमें इस प्रोग्राम को नहीं समझना है, आईओ स्ट्रीम भी चल जाता है, एच लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। स्क्रीन स्टॉप हो। तो देखिए, मैं सी वाला जो प्रोग्राम था वो आपको दिखा रहा था ना, वहां पे कुछ प्रॉब्लम थी। चलो वाट एवर, उसमें जो भी प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से वो नहीं चल पाया है ना। तो अभी मैंने एक प्रोग्राम चलाया, और मैं भी आपसे यही चाहता हूँ कि आप जब प्रोग्राम कोई चलाओ तो उसमें ऐसे ऑप्शन आ जाए, मतलब है ना, क्या है कि इंटर वन फॉर टूथपेस्ट, इंटर टू फॉर बिस्किट, इंटर थ्री फॉर दिस, ऐसे। मतलब ये उतना बढ़िया डिज़ाइन नहीं है। आप, मैं आपको प्रोजेक्ट जो दिखा रहा था उसमें बहुत अच्छा डिज़ाइन था। मतलब डिज़ाइनिंग क्या है, अपने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलर में ही जो करना है वो करना है ना। तो टॉप पे लिखा है कि दिस इज ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल, या जो कुछ भी ऐसे लिखा आ जाए, है ना, आपको ऐसे करना है। अब देखो, शॉपिंग पोर्टल जो भी होता है, जैसे जैसे मान लो कि आप फ्लिपकार्ट कर रहे हो या अमेजोन से कर रहे हो शॉपिंग, शॉपिंग पोर्टल में क्या होता है कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, ठीक है। जैसे जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है प्रोडक्ट वन फॉर टूथपेस्ट, टू फॉर बिस्किट्स, ये तो ये प्रोडक्ट्स। एक ऐसा होता है कि भाई पहले से हमारे पास पड़ा होता है, और एक ऐसा होता है कि भाई हमारे पास हम अपने हिसाब से ऐड करवाते हैं, है ना। तो मुझे वो जो एडमिन वाला पार्ट है, मतलब जो प्रोडक्ट ऐड करना, डिलीट करना, ये सब नहीं करना है अभी, है ना। मान लेना कि हमारे पास इतने प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट पड़े हुए हैं, उनकी प्रोडक्ट की लिस्ट ऐसे बना लेना, ये अच्छा नहीं बनाया, बिल्कुल टेबल के फॉर्म में ऐसे एकदम, कि प्रोडक्ट का नेम, नेम के सामने सारे प्रोडक्ट होने चाहिए, प्रोडक्ट का प्राइस, वहाँ प्राइस होना चाहिए,
फिर प्रोडक्ट का क्वांटिटी, वहाँ क्वांटिटी होनी चाहिए। आप सोचोगे ये सब कैसे करेंगे, ये सब कुछ नहीं करना है आपको, बहुत ज़्यादा लॉजिक नहीं लगाना है, क्लास ऑब्जेक्ट मेथड वेरिएबल यही सब यूज करके बनाना है आपको। फिर आपसे पूछे कि भैया और उसके सामने ये लिखा हो, जैसे यहाँ लिखा है वन फॉर टूथपेस्ट, यानी कि अगर मैं वन एंटर कर दूँ तो भैया वन आइटम हमारे कार्ट में ऐड हो जाए, ठीक है, जैसे ये हो गया यू हैव सेलेक्टेड वन टूथपेस्ट, ठीक है। अब टूथपेस्ट कितना चाहते हो, अच्छा इसके सामने इसकी प्राइस भी वहाँ मेंशन होनी चाहिए, ऐसा मैं चाहता हूँ। तो ये क्वांटिटी कह रहा है कि मान लो तीन क्वांटिटी ले लिया, मैंने एंटर मारा, तो कह रहा है ये तो हो गया, क्या आप यू हैव सेलेक्टेड टूथपेस्ट प्लीज एंटर क्वांटिटी, कर तो दिया था ये, इसमें कुछ बग है लग रहा है, मैंने क्वांटिटी ले लिया मान लो टू, ठीक है, तो अमाउंट इज 20, यानी कि इसने कुछ पैसा ले रखा होगा जिस पैसे से इसने अमाउंट दे दिया, लेकिन आपको यहीं तक ये काम नहीं करना है, आपको पूरा शॉपिंग का एक मॉड्यूल बनाना है, जिस मॉड्यूल में होना क्या चाहिए कि उसका प्राइस, उसका सारा डिटेल सब कुछ हो। जब आप क्वांटिटी इंसर्ट करो तो आपको ये वैल्यू गेट करानी होगी, गेट करा के आपके कह सकते हो क्वांटिटी दो है तो दो क्वांटिटी के हिसाब से, अच्छा जरा मैं इसको तीन करके कैलकुलेट करके देखूं, जैसे मान लो कि टूथपेस्ट वन कर रहा हूँ, क्वांटिटी मैंने फोर कर दिया तो कितना आया, 40 आया, तो इसका मतलब ये पैसा जुड़ रहा है ना, यानी कि एक क्वांटिटी का पैसा 10 रुपये है, 4 का 40 रुपया हो गया। तो ऐसे जितना भी आप क्वांटिटी लो उस हिसाब से पैसे आ जाएं, और पैसे आने के बाद ये ना हो कि ये प्रोग्राम एग्जिट हो गया ना, एग्जिट नहीं होना चाहिए। पूछे डू यू वांट टू इंसर्ट मोर वैल्यू, तो जैसे दूसरी वैल्यू आप इंसर्ट करो फिर उसमें भी क्वांटिटी पूछे, उसको भी इंसर्ट कर लो, है ना। और इंसर्ट करने के बाद आप क्या करो, फाइनली जब ये सारी वैल्यू इंसर्ट हो जाए तो आप इन सारी वैल्यू को इंसर्ट करने के बाद एक आप उससे यूज़र से पूछो कि पेमेंट का क्या मोड लेना चाहते हो, है ना। मैं आपको ये मतलब खोजूंगा, आपको मैं प्रोग्राम दिखा दूंगा पूरा, वहाँ पे मतलब बच्चों ने बनाया भी है कि आप पेमेंट का मोड पूछता है, पेमेंट का ऑप्शन पूछता है कि आप क्या चाहते हो, कितनी वैल्यू चाहते हो। अच्छा पेमेंट क्रेडिट होता है, डेबिट, कैश ऑन डिलीवरी और वो सब सर। हाँ पेमेंट का ऑप्शन वहाँ पे, और ये सब आपको अपने हिसाब से मैनेज करना है, इसमें लूप लगाना है, इसमें कंडीशन लगाना है, सारा डेटा अपने ऑब्जेक्ट में संभाल के रखना है और कहीं नहीं रखना है। जैसे मैं मान लो कि लिख दिया, मैंने लिख दिया कैश ऑन डिलीवरी, तो लिखा जाए थैंक यू योर पेमेंट इज डिलीवर और यू हैव टू पे दिस अमाउंट, ठीक है। जब आपने क्रेडिट कार्ड दे दिया तो क्रेडिट कार्ड में भी यही ऑप्शन आ जाए। अच्छा क्रेडिट कार्ड में मान लो मैंने 5% एक्स्ट्रा लगा दिया, इसमें ऐसा कुछ लॉजिक लगा देना, अगर डेबिट कार्ड हो तो 5% लेस हो जाए, ऐसा लगा देना। तो ये करना है, समझ रहे हो। मैं आपको जो प्रोग्राम दिखाता है ना, उसमें सर एक बच्चे ने सी में बनाया था, उसने पूरा ऐसे बनाया था सारा चीज, उसने पूरा 1 2 3 इंसर्ट करते। अब ये क्या कर रहा है, नंबर देखो ना आप, अगर थोड़ा सा प्रोग्राम का हिंट जाते हो तो प्रोग्राम में क्या करा गया है, बस कुछ नहीं, SOP में ये ऐसे ऐसे वैल्यू लिख देनी है, उस वैल्यू को रीड कर लेनी है, रीड करके चेक करना है, स्विच केस लगा देना है, या फॉर वाइल लगाना है, डू वाइल लगाना है, जो भी उसमें नंबर आ रहा है उसमें जोड़ देना है, मेथड कॉल कर देना है, वेरिएबल अपेंड कर देना, व्हाटएवर ऐसे करना है ना। तो ये सब काम करा है, तो ये तो मतलब जावा उतना इसने अच्छे से किया नहीं है, बट जो भी किया था उसने मुझे भेजा था। तो आपको क्या करना है, आपको नहीं थोड़ा सा और बेटर तरीके से शॉपिंग का और अच्छा मतलब प्रोग्राम आपको डेवलप करना जितना अच्छा हो पाए, ठीक है, समझ रहे हो ना। आप शॉपिंग तो समझ सकते हो, आप अपने हिसाब से उसमें अंडरस्टैंडिंग जोड़ सकते हो। अब आप थोड़ा काम करने की कम कोशिश करोगे तो हो सकता है उसको 2 ही मिनट में ख़त्म कर दो, थोड़ा चाहोगे यार उसके अंदर ये बढ़ाऊँ वो बढ़ाऊँ जितना दिमाग लगाऊँ तो उतना काम करोगे। जी सर जी, हाँ तो ऐसे करना है। और ये वॉलेट भी ऐड कर देंगे। हाँ जी वॉलेट, मतलब मैं तो कह रहा हूँ जो आप फ्री हो मुझे बना के दिखाओ बढ़िया, मुझे लगेगा कि हाँ मतलब हमने भी किसी को पढ़ाया और किसी ने मुझे कुछ बना के दिखाया। कुछ इसमें ऐसा नहीं, बस उसमें 2-3 कंडीशन हैं। पहला चीज़ है कि आपको मान के चलना है कि भाई प्रोडक्ट हमारे पास इतने ही हैं, तो आपको ले के चलना है कि भैया ये प्रोडक्ट का नेम, प्रोडक्ट का प्राइस और ये है हमारा प्रोडक्ट का क्वालिटी क्वांटिटी, मेरे पास तो फिक्स होना चाहिए ना। अब ये सारी वैल्यू कहाँ डालोगे, ऑब्जेक्ट में डालोगे। जैसे मान लो कि एक प्रोडक्ट नाम की क्लास बनाओगे, प्रोडक्ट नाम की क्लास के अंदर प्रोडक्ट का नेम, प्रोडक्ट का प्राइस, प्रोडक्ट का वगैरह वगैरह ये सब आप रखोगे। तो अब डेटा आप डिसाइड करोगे, फंक्शनलिटी आप डिसाइड करोगे, सब कुछ आप लेके रखोगे, एक ऑब्जेक्ट के अंदर सारा डेटा संभाल के रखोगे।
अब जैसे सपोज करो कि किसी ने उस प्रोडक्ट को परचेज करा, तो उसी ऑब्जेक्ट से डेटा लेस कर दोगे, माइनस कर दोगे। किसी ने खरीद, किसी ने परचेज करने के बाद कुछ दिन ऐड करा, ऐड तो खैर खिलार करना नहीं है, ऐड वाला भी मॉड्यूल हम कर लेंगे आगे। पहले आप मान के चलो 10 क्वांटिटी है या उसका 10 जो भी प्राइस है, तो उसके प्राइस से वो पैसा माइनस हो जाए या पैसा उसमें ऐड हो जाए, ये सब कुछ आपको करके चलना है। और लास्ट में पेमेंट में वही 5% क्रेडिट कार्ड पे एक्स्ट्रा लगाना है और डेबिट कार्ड पे 5% का छूट दे देना है, और टोटल अमाउंट आपको दिखा देना है, बस कह देना है कि भैया आपको पैसा मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि आगे सारा फंक्शनलिटी इम्प्लीमेंट कर लोगे, समझ रहे हो जी। मतलब मुझे ये भी करना है कि मतलब जितना प्रोडक्ट यहाँ पे दिखा रहा है उसमें से लेस भी करना है बाद में। यार एक बात बताओ, जैसे मान लो कि मेरे पास 10 प्रोडक्ट थे, उसमें से 2 किसी ने खरीद लिया, तो बचा के तो 8 ही बचाना है ना वहाँ पे। नहीं नहीं, मतलब मेरा ये है कि जैसे यहाँ से लेस होगा तो रन तो फिर से होगी ना क्लास, क्योंकि आगे जाके नेक्स्ट स्टेप मतलब लास्ट में, हाँ, लास्ट में मतलब एंड करके वो दिखा देना कि इतने बचे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा ये इतने बचे हैं और ये आपका शॉपिंग का ये है, और थोड़ा सा उसको डिजाइन अच्छा कर दोगे तो दिखने में थोड़ा अच्छा लगेगा। ये देखो इसमें, इसमें इस प्रोजेक्ट को मैंने चलाया, ये फिलहाल सी में है, तो देखो लिखा 1 फॉर परचेज एंड 2 फॉर यूजर लॉग इन, है ना। इसमें यूजर लॉग इन का भी बढ़ा सकते हो। सर सर दिखाई नहीं रहा। अच्छा नहीं दिख रहा आपको, वो एकदम वाइट हो गया स्क्रीन आपका टर्मिनल। मैं दोबारा स्टॉप करके स्क्रीन शेयर करता हूँ। दिख रहा है, मैं आपको एक वो भेजता हूँ, ये देखिए ऐसा दिख रहा है। नहीं मतलब थोड़ा उतना क्लियर तो नहीं दिख रहा होगा। नहीं ये अभी तक तो सब सही दिख रहा था टर्मिनल, ये टर्मिनल वाइट क्यों हो गया? कहाँ पे एक मिनट देखता हूँ। नहीं सर, तो अभी स्क्रीन दिख रही है, तो देखो मैं जब एग्जीक्यूट कंपाइल और रन पे करूँगा तो ये वाली स्क्रीन आ रही है, ठीक है। थोड़ा सा उतना बेटर नहीं दिखेगा आपको, कलर ही ऐसा है इसका। दिखा जी, दिखा दिखा या नहीं दिखा? सर हल्का उतना सामने फिर भी दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, लेकिन ये नहीं पता चल रहा है लिखा क्या है और क्या हो रहा है। इसमें लिखा 1 फॉर लॉगिन 2 फॉर परचेज, तो मैं 2 लिखूंगा तो ये लॉगिन के लिए। अब आया? हाँ अब आया। तो देखो लिखा 1 फॉर लॉगिन 2 फॉर परचेज, अब मैंने 2 दे दिया यहाँ पे, तो 2 जैसे दे दिया इसने कहा कि एंटर ईमेल आईडी, तो ईमेल आईडी मान लो मैंने कुछ भी दे दिया है ना। अब ये फिक्स कर सकते हो आप, अब मैं कुछ भी दे दूंगा तो ये प्रोसीड नहीं कर पाएगा। पासवर्ड कुछ भी दे दूंगा तो ये देखो कह रहा है इन्फॉर्मेशन, अच्छा ये सेव हो गया इन्फॉर्मेशन, मतलब परचेज के लिए इसने जो मैंने ईमेल आईडी पासवर्ड दिया है उसको उसने सेव कर लिया। ठीक है चलो, अलग अलग आइडिया है ये हमें जो मिल रहा है तो। और मैं बता रहा हूँ इसमें कोई डेटाबेस नहीं, कुछ भी नहीं, बस केवल क्लास ऑब्जेक्ट मेथड वेरिएबल इफ एल्स स्विच केस, और कुछ नहीं है ना। लॉगिन में ही वो इन्फॉर्मेशन सेव करा दे रहा है। हाँ ठीक है कोई बात नहीं, उसको रजिस्टर नाम दे देना, आपको जो अच्छा लगे उसमें कर सकते हो। आप एक काम करो कि आप पहले यूजर को रजिस्टर करा दो फिर उसी को लॉगिन करा दो, और बताओ हैं भाई। शॉपिंग तो तभी होगी ना, उसमें एक चीज और बढ़ गई। अब कह रहा है 0 to purchase, 0 लिखा और एंटर मारा। अब देखिए यहाँ पे आ रहा है कि 1 फॉर मोबाइल एसेसरीज, 2 फॉर मेन्स वियर एंड 3 फॉर लेडीज वियर, प्लीज एंटर च्वाइस। मैंने 1 लिख के एंटर मार दिया तो ये आ गया मोबाइल के लिए कि 3GB का ब्लैकबेरी का या कौन सा लेना है, सैमसंग लेना है। तो मैंने लिख दिया भैया मुझे लिनोवो 4 वाला चाहिए, एंटर मारा तो कह रहा है कि देखिए लिनोवो का फीचर ये है कि ये K10 है, स्टोरेज इसका है, रैम इतना है, बैटरी इतनी है। कह रहा है कि 1 to ऐड कार्ड या 2 फॉर गो फॉर मोबाइल एसेसरीज, मतलब 1 लिखोगे तो कार्ड में ऐड हो जाएगा, नहीं तो फिर पीछे चला जाएगा ये। मैंने 1 लिख दिया, ऐड हो गया कार्ड में। अब कह रहा है कि भैया टोटल अमाउंट इसका ये है, मेकिंग पेमेंट इज गो टू फॉर मोबाइल अकाउंट। अच्छा आप कह रहा है कि अच्छा पूरा एकदम ब्रेकअप दे दिया, देख रहे हो, आपको नहीं दिख रहा होगा, दिख रहा है? दिख रहा है। फीचर ऑफ लिनोवो स्टोरेज रैम रोम, अच्छा कार्ड में ऐड हो गया, कह रहा है टोटल अमाउंट आपका इतना है। अब यहीं पे ये कह रहा है फॉर मेकिंग पेमेंट एंड गो फॉर मोबाइल एसेसरीज, चलो मैं 1 फॉर मेकिंग पेमेंट करता हूँ। अब देखो ये आ गया, ये आ गया, ये मैं आपसे कह रहा था।
वो स्क्रीन को क्लियर मार दे रहा है, पुरानी स्क्रीन गायब हो जा रही है, हमें दिख नहीं रही है। अच्छा हाँ, तो अब ये कह रहा है 1 फॉर डेबिट कार्ड, डेबिट कार्ड में 1% का डिस्काउंट होगा, और 2 फॉर क्रेडिट कार्ड, इसमें 4% एक्स्ट्रा लगेगा, है ना, और ये चीज़ है। तो चलो मैं क्रेडिट कार्ड में एक्स्ट्रा लगेगा 2 लिख के एंटर मारता हूँ। तो कह रहा है प्लीज़ इंटर द क्रेडिट कार्ड नंबर, कार्ड नंबर दे दिया, कार्ड नंबर उसको क्या पता क्या है बट मैंने दे दिया, उसको स्टोर कर लेना कहीं, CVV नंबर दे दिया मैंने कुछ ऐसे, है ना, कर दिया, पासवर्ड बता दिया कुछ कार्ड का, ठीक है। हाँ, तो उसने क्या करा भैया, 5% जो 7,000 था उसमें एक्स्ट्रा अमाउंट इतना जोड़ के ये कर दिया, देखो 7,350 रुपये, ठीक है, और थैंक यू फॉर शॉपिंग दिस दिस दिस, एंड एग्जिट करके बाहर निकल जा, है ना, बढ़िया चीज जी। ये स्क्रीन क्लियर कैसे हो जा रही है बार बार? उसने क्या नाम है, CLS चला दिया और क्या। अच्छा बार, CLS CR चला दिया, एक मेथड बनाया, मेथड को कॉल कर दिया बार बार, जब भी जरूरत है उसमें स्क्रीन क्लियर करने का कोड लिख दिया है। ओके समझे। बिल्कुल इसी तरह से मेरे पास वो एक शॉपिंग मॉल का था, उसमें पूरी मतलब कहानी थी, लेकिन उसमें सारा डाटा मतलब फाइल वाइल में सेव होता था, अभी आपको ऑब्जेक्ट पे ही सब कुछ लेके चलना है, मतलब करना है, क्लास ऑब्जेक्ट, क्लास ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो लग जाओ भाई इसे बनाने में, बना रहे हो आप लोग? जी पूछ रहे थे निशान, कोई क्वेश्चन पूछ रहे थे, आपका आवाज एकदम बिल्कुल जैसे दूर से कहीं से बोल रहे हो। हेलो सर, हाँ जी, अभी आवाज आ रही है? हाँ हाँ, क्लियर स्क्रीन कैसे करें जावा में? जावा में क्लियर स्क्रीन करने के लिए तो देखो, जावा के अंदर क्या है, CLS तो यहाँ तो चलेगा नहीं, है ना, CLS नहीं चलेगा, क्योंकि CLS तो उस पे चलता है, आपको सी पे चलता है CLS। हाँ नहीं, चलने के लिए तो यहाँ पे भी चल जाएगा, मेथड कॉल कर देना है, स्क्रीन हटा देना है, क्लियर स्क्रीन इन जावा, ठीक है, ये कोड आ गया भैया, कोई चला दो क्लियर स्क्रीन के लिए, ठीक है, ये कोड दिख रहा है आपको, CMD/C/CLS ऐसे करके लिख देना है, ये एक मेथड के अंदर लिख देना, और ये मेथड को जहां जहां कॉल करोगे स्क्रीन क्लियर करते चला जाएगा। सर ये इंपोर्ट करना पड़ेगा, वो IO पैकेज में है। हाँ, या ये भी कोड डाल सकते हो, मिल जाएगा आपको, गूगल पे डालोगे तो जरूर मिल जाएगा, ठीक है। और बताओ क्या पूछ रहे थे निशांत? इससे पहले क्या पूछ रहे थे? हाँ? क्लियर स्क्रीन वाला ही पूछ रहे थे। इसे बनाइए आप लोग। मैं पूछ रहा था सर। हाँ पूछे। वो system.in क्यों लिखते हैं? पैरामीटर उसमें डालते हैं जब इनपुट लेना होता है तो। ये इन आउट और ये सारा कहानी मैं आपको इनपुट आउटपुट में पढ़ाऊंगा, इन क्यों लिखते हैं, आउट क्यों लिखते हैं, क्या जरूरत है, क्या कहानी बताऊंगा, ठीक है। तो चलो बनाने के लिए लग जाओ आप लोग, मैं